व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज गाइस जल्द से मेरे यूट्यूब चैनल 10 मिलियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरी तरफ से आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। तो आज जो आपको फोन लेकर आया, मैंने सीरीज स्टार्ट की है वीवो का X18 प्रो प्लस। मेरी आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज गाइस जल्दी से वो वीडियो देखो, आपको आई बटन पर देखने को मिलेगी। और जो आज फोन है वो है वीवो का X18 5G, वो एक होगा प्रो। ये 3 वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो आज जो फोन वीडियो लेकर आया हूं वो है वीवो का X18 5G। तो बात करते हैं, जो लॉन्च होगा आपको पता है जनवरी में लॉन्च होगा 2022 में, अनऑफिशियल लॉन्च है। जे डेट इन्होंने अभी तक कोई फिक्स नहीं की है कि ये कब तक लॉन्च होगा। तो इन्होंने बस इन्हें क्ल्यू दिया कि जनवरी की 19 को लॉन्च हो सकता है। क्या पता कि लास्ट में हो सकता है, मिड में हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। आपको एंड्रॉइड का V11 इसमें देखने को मिलेगा, वीवो का X18 प्रो 18 में। तो नेक्स्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। जो इसमें चीपेस्ट दी है मीडिया टेक डेंसिटी 1200, जो आपको वीवो का X18 प्रो प्लस है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 प्लस देखने को मिलेगा। जो इसमें है जो मीडिया टेक डेंसिटी 1200 देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है सीपीयू, ऑटो कैप प्रोसेसर 3GHz सिंगल कोर, 2.6GHz ट्राई कोर और देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है 8GB रैम देखने को मिले, उसमें आपको 12GB देखने को मिलेगी, इसमें आपको 8GB देखने को मिलेगा। और डिफरेंस जान लो गाइस साथ साथ में। तो नेक्स्ट है डिस्प्ले, तो इसमें AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जो स्क्रीन साइज होगा उसका था 6.7 इंच स्क्रीन, इसका होगा 6.5 इंच स्क्रीन। तो नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट, तो सेम है 120Hz तक रिफ्रेश देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है रियल कैमरा, उसमें आपको 4th रियल कैमरा देखने को मिलेगा। जो इसमें आपको ट्रिपल रियल कैमरा देखने को, जो फर्स्ट कैमरा का प्राइमरी वो होगा 50MP वाइड एंगल कैमरा, सेकेंडरी होगा 8MP और जो थर्ड कैमरा होगा 2MP ऑटो फोकस यस देखने को मिलेगा। जो फ्लैश लाइट होगी यस इसमें देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है इसमें कैमरा फीचर्स भी सेम है, डिजिटल जूम होगा, ऑटो फोकस, ऑटो फ्लैश होगा, फेस डेडिकेशन होगा और टच टू फोकस इसमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मुझे लगता है सेम है जो वीवो का X18 प्रो प्लस में है। इसमें 4K वीडियो को 30fps तक वीडियो को शूट कर सकते हैं और फुल HD तक शूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रंट कैमरा, जो वीवो का X18 प्रो प्लस में था 32MP प्राइमरी कैमरा वाइड एंगल, तो इसमें भी सेम दिया हुआ विद LED फ्लैश लाइट भी दी हुई। तो नेक्स्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग, इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, उसमें भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है बैटरी कंपेयर कर लेते हैं। जो वीवो का X18 प्रो प्लस की बैटरी थी बहुत ही 4500mAh बैटरी, तो आपको इसमें देखने को मिलेगी 4450mP बैटरी देखने, 4400mAh बैटरी देखने को मिलेगी। और उसमें जो फास्ट चार्जर था वो था 66 फास्ट चार्जर, इसमें आपको 44W फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। USB टाइप सी पोर्ट नॉट रिमूवेबल देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इसकी इंटरनल स्टोरेज कंपेयर करते हैं। जो उसकी इंटरनल स्टोरेज थी 256GB इंटरनल स्टोरेज थी वीवो का X80 प्रो प्लस की, जो इसकी है वो है 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है नेटवर्क की अगर बात करें तो 5G सेम देखने को मिलेगा। तो 4G 3G 2G यूज कर सकते हो, 5G अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है मल्टीमीडिया की बात करें तो आपको लाउड स्पीकर यस, ऑडियो यस, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। तो लास्ट में सेंसर देखते हैं, उसका भी सेम है कि इसका अलग हो सकता है। तो मुझे लगता है फिंगरप्रिंट सेंसर यस, और जो फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन होगी वो होगी ऑन स्क्रीन, आप इसको यूज कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके प्राइस क्या रहने वाला है, कि उसका प्राइस इससे कम होगा कि सेम जा सकता है। तो बात करते हैं इसका प्राइस, तो इसका प्राइस रहने वाला 40K। अगर आपका बजट 40,000 तक है तो आपको वीवो का X80 5G तो इसको आप बाय कर सकते हो। तो ये लॉन्च होगा जनवरी की 2022 में। तो मुझे बताना कि आप इसको बाय करना चाहोगे कि वीवो का X80 प्रो प्लस को बाय करना चाहोगे। उसका बजट था 83,000 तक, तो मतलब कि हाफ इसका प्राइस रहने वाला है। तो एक बार फिर से हाईलाइट देने वाला हूं, इसमें एंड्रॉइड का V11 इसको देखने को मिलेगा। तो आपको लेटेस्ट आ जाएगा 12
दिसंबर के लास्ट में आ सकते हैं। आप इसको फोन को बाय करोगे तो परफॉर्मेंस की बात करता मीडियाटेक गैलेक्सी 1200 8GB रैम देखने को मिलेगी और जो डिस्प्ले है कि 6.5 इंच डिस्प्ले और रिफ्रेश होगा 120Hz रिफ्रेश रेट स्मूथली फोन यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है रियर कैमरा, ट्रिपल रियर कैमरा 50MP वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा 8MP और 2MP विद LED फ्लैश लाइट और 4K वीडियो कॉल को शूट कर सकते हो विद फुल HD। तो नेक्स्ट है फ्रंट कैमरा की 32 वाइड एंगल लेंस कैमरा होगा और स्क्रीन फ्लैश विद 4K 30fps तक वीडियो को शूट कर सकती है। जो बैटरी कंपेयर तो आपको पता जो उसकी थी 4500 इसकी 4450mAh बैटरी और 44W फ्लैश चार्जिंग USB टाइप सी पोर्ट इसके साथ देखने को मिलेगी। तो 128GB इंटरनल स्टोरेज नोट एक्सपेंड उसकी थी 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो मैं बताना कि आप इसको फोन को बाय करना चाहोगे कि वीवो को X80 प्रो प्लस को बाय करना चाहोगे तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताना और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज गाइस जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरी तरफ से आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज गाइस लाइक मी शेयर मी कमेंट और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय बाय।